हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेराव सर आप लोगों के बीच। आज हम लोग दसम वर्ग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हुए हैं। तो गाइज, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमितीय। ताकि इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ताकि ये अकेला आपको पास करवा सकता है चैप्टर। इसलिए गाइज, इस चैप्टर को आप इतना अच्छा से पढ़िए ताकि आप एक ही चैप्टर से चाहिएगा तो आप पास नंबर ला सकते हैं। लेकिन मेरा तो मानना है कि मैं आपको 90+ 80+ गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको लगवाने की कोशिश करूँगा। इसलिए गाइज, मेरे चैनल से बने रहें, जुड़े रहें और वीडियो को लाभ उठाएं, ताकि आप एग्ज़ाम में जब जाएं तो अपने हौसला को बनाए रखें और क्वेश्चन जैसे आएगा निश्चित गारंटी है कि क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। इसलिए चैनल को अगर सब्सक्राइबर नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए गाइज, त्रिकोणमिति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिसको भी त्रिकोणमिति हार्ड लगते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं त्रिकोणमिति को ख़त्म कर दूंगा। चलिए गाइस, तो त्रिकोणमिति में देखते हैं क्या क्या बेसिक फार्मूला होता है, तब हम लोग त्रिकोणमिति में अभ्यास क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, आज हम फार्मूला को जितना भी त्रिकोणमिति में दसम वर्ग का होगा टोटल आज हम वीडियो में फार्मूला चेक कर लेंगे। तो चलिए गाइस, आप बने रहिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं करें किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे पहले जब भी त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ें तो एक समकोण त्रिभुज का जिक्र होता है। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले क्या है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति में क्या, सबसे एक एक छोटा छोटा फार्मूला चेक करेंगे गाइस का क्या होता है फार्मूला। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिकोणमिति में एक फार्मूला लेते, मतलब एक फिगर बना लेते हैं, क्या एक समकोण, क्या बना लेते हैं गाइस, एक समकोण बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ये बना लिए, क्या बना लिए, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, जिसको हम नामकरण कर देते हैं, ये गाइस ए है, ये गाइस बी है और ये गाइस सी है, ये ए बी सी है, और जिसमें ये कोण बी क्या है, समकोण, ये क्या है, नब्बे, जिस कोण, जिस त्रिभुज की एक कोण अगर 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप ये समकोण त्रिभुज में पता चले ये समकोण त्रिभुज 90 है तो पता चला, ये नहीं पता है क्या गाइस, इसको मान लेते क्या थीटा, इसको क्या मान लेते गाइस थीटा, और इसको मान लेते क्या गाइस, इसको मान लेते अल्फा, इसको क्या मान लेते अल्फा, इसको क्या मान लेते गाइस अल्फा, इसको क्या मान लेते अल्फा। तो हमको पता है कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 90 है तो ये बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, थीटा प्लस अल्फा का मान कितना होगा, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इसका मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये अकेला 90 है बी, और कौन ए प्लस कौन सी, कौन ए प्लस कौन सी को जब दो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा। तो चलिए गाइज, आप इसमें थोड़ा बेसिक याद रखिए गाइज, 90 के सामने वाले, 90 के सामने वाले भुजा जो एसी है ये हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, क्या होता है भुजा, ये कर्ण होता है, क्या होता है गाइस, ये कर्ण होता है। बाकी जो बचा ये अब इस थीटा के अनुसार अगर बोलिएगा तो ये क्या होगा, लंब होगा, अगर इस अल्फा के अनुसार बोलिएगा तो ये लंब होगा। तो चलिए गाइस, एक एक करके पहले देखेंगे थीटा के अनुसार, फिर एक देखेंगे अल्फा के अनुसार। तो गाइस एकदम अच्छा से वीडियो देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस किसके अनुसार चलते हैं, मान लेते कि ये अल्फा था, एक थीटा था, एक अल्फा था, पहले हम थीटा के अनुसार हल करते थे इसको गाइस, ताल्लुक इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। तो इसमें क्या गाइस, तो क्या है गाइस, ये थीटा है, तो थीटा ये याद रखिएगा कि 90 के सामने वाले हमेशा क्या होता है, कर्ण, और इसका अब यहाँ से पता चला ये थीटा, थीटा के अनुसार हल करें, थीटा के सामने वाले कोण क्या होता है, लंब, थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, मतलब लंब होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। अब बाकी जो बचा ये तुम्हारा आपका बीसी जो है ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आधार, बेस कहलाएगा, और ये कर्ण होता है हाइपोटेनियस। तो चलिए थीटा के अनुसार गाइज आप हल कर लीजिएगा, तो ये थोड़ा आप इसको याद रखिएगा। त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉस, कॉसेक, इस तरह से 6 फलन का एक जो है ना अनुपात होता है, इसके तरह से इसी त्रिभुज से लाया गया। तो आप याद रखिएगा कि साइन क्या होता है, साइन होता है क्या, साइन थीटा बराबर, जैसे साइन थीटा का बात कर रहे हैं जिससे गाइज, तो थीटा से लेकर चल रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर याद रखिए गाइज क्या होता है, लंबटे कर्ण, क्या होता है गाइज, लंबटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटे कर्ण, आपको ये सब याद रखिए गाइज। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है गाइज, लंबटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है गाइज, कॉस थीटा बराबर क्या होगा गाइज, कॉस थीटा बराबर क्या होता है गाइज। अच्छा चलिए पहले हम ये देखते हैं क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से लंब किसको माने, यहाँ लंब क्या है ए बी, यहाँ लंब क्या है ए बी, ये थीटा के अनुसार ये लंब है ए बी, तो यहाँ से हम लंब की जगह रख सकते क्या गाइज, ए बी, ए बी बटे क्या, ए बी बटे कर्ण, कर्ण का नाम क्या है गाइज, ए सी, कर्ण का नाम क्या है, यहाँ ए सी है, कर्ण का क्या है, ए सी है। उसी तरह जैसे हम साइन को याद कर ले, तो साइन का जस्ट संबंधित क्या होता है, कॉसेक, साइन का जस्ट संबंधित क्या होता है, कॉसेक, सी ओ एस सी सी,
कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, जिसका जस्ट उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, कर्ण चला जाएगा ऊपर, अब बटे क्या आ जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, लंब क्या आएगा नीचे आ जाएगा। इसी तरह याद रखिएगा, पहले साइन को याद रखिएगा, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब। इस तरह से याद करिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर साइन का अगर याद है कि लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब होगा। इसको भी अगर इस अनुसार से इस त्रिभुज के अनुसार यहाँ रखने चाहते हैं, तो कर्ण यहाँ क्या है एसी, कर्ण यहाँ क्या है एसी, और इसके बाद ये बचा क्या लंब, लंब क्या है ए बी, लंब क्या है ए बी, ए बी, तो ये जस्ट इसका उल्टा आ गया, ए बी चला गया ऊपर, ए सी चला आया नीचे, तो ये हो गया साइन और कोसेक। आप याद कर लेना टेन का, आप क्या करेगा टेन का, टेन का आप क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेन क्या होता है लंब बटे आधार। अब लंब का मान यहाँ क्या आएगा, लंब यहाँ क्या है ए बी, क्या कि हम टेन थीटा ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, थीटा के अनुसार जानते हैं कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब का नाम क्या है यहाँ से ए बी, ए बी ले लिए, बटे आधार क्या है गाइस यहाँ से बी सी, आधार क्या है बी सी, तो ये हो गया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। टेन से संबंधित किसको याद रखिए, कॉट, टेन से संबंधित क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, टेन से संबंधित क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है टेन का जस्ट उल्टा होता है, क्या बोल सकते हैं आधार बटे लंब, क्या बोल सकते हैं आधार बटे लंब, क्या आधार बटे लंब, क्या आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब यहाँ से भी इसको क्या पलट सकते हैं, यहाँ आधार क्या है बी सी, तो बी सी चला जाएगा ऊपर, अब बटे लंब, लंब का नाम क्या है यहाँ से ए बी, ए बी चलाएगा नीचे, जस्ट टेन, टेन किसका उल्टा होता है कॉट, या कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, इसी तरह याद रखिएगा, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या होगा आधार बटे लंब, इसी तरह याद रखना, टेन याद है तो आपको कॉट याद रहेगा, यदि टेन याद है तो कॉट याद रहेगा, या कॉट याद रखिएगा तो टेन याद रहेगा गाइस। उसी तरह अनुसार बचा क्या गया कॉस थीटा, क्या बचा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है गाइस आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से इस अनुसार से अगर रखना चाहते हैं तो आधार का नाम यहाँ क्या गया गाइस, आधार किसको माने यहाँ बी सी, आधार क्या है यहाँ बी सी, बटे कर्ण, कर्ण का क्या है यहाँ से ए सी, कर्ण क्या है ए सी, कर्ण क्या है ऐसे, तो कॉस अगर आपको याद है तो सेक उसी का जस्ट उल्टा होता है, सेक क्या होता है इसी का उल्टा, सेक थीटा बराबर क्या बोलिएगा कर्ण बटे आधार, क्या बोलिएगा कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का नाम यह क्या है ए सी, कर्ण का नाम क्या है ए सी, आधार का नाम क्या है बी सी, आधार का नाम क्या है गाइज बी सी, आधार का नाम क्या है बी सी। तो गाइज आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, उसी तरह टेन, टेन बराबर क्या याद रखिएगा लंब बटे आधार, उसी तरह याद रखिएगा कॉट, टेन का उल्टा होता है तो आधार चला जाएगा ऊपर, लंब चलाएगा नीचे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, और ये, और ये सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो इस त्रिभुज के अनुसार हम लोग ये बोल मतलब याद कर लिए गए, तो आपको ये याद रखना है, या कहते इतना याद रखता है क्या गाइस, यहाँ से जैसे एक और बोल सकते हैं, जैसे ये त्रिभुज के अनुसार हम नाम दिए हैं, या आप इसको याद ऐसे भी रख सकते हैं इंग्लिश में कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब को हम किसे डिनोट करते हैं पी से, लंब को किसे डिनोट करते हैं पी से, और आधार को किसे डिनोट करते हैं बी से, आधार को किसे डिनोट करते हैं बी से, और कर्ण को किसे डिनोट करते हैं एच से, कर्ण को किसे डिनोट करते हैं एच से, कर्ण को किसे डिनोट करते हैं एच, एच मतलब क्या हाइपोटेनियस, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। इसी अनुसार अगर आप इसको याद रखिएगा, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ से बोल सकते हैं साइन लंब को हम किसे डिनोट किए पी से, क्या देगा पी बटे, कर्ण क्या एच है, कर्ण क्या एच, ऐसे भी याद रख सकते हैं गाइस, क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच, साइन थीटा बराबर क्या याद रखिए पी बटे एच, पी मतलब क्या लंब, एच मतलब कर्ण, यही लंब बटे कर्ण, मतलब ये आप या तो ये याद रखिए या तो याद रखिए, बात क्या है सेम है, बात क्या है गाइस सेम है। उसी तरह कोसेक, कोसेक को आप क्या बोल सकते हैं, कोसेक क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण को हम किसे डिनोट करते हैं एच से, लंब को किसे डिनोट करते हैं पी से, यही पी बटे एच था, इसी का जस्ट उल्टा हो गया एच बटे पी। उसी तरह टेन, टेन क्या है लंब बटे आधार, लंब को किसे डिनोट करते हैं पी से, आधार को किसे डिनोट करते हैं बी से, आधार किस, आधार को किसे डिनोट करते हैं बी से, इसलिए टेन थीटा बराबर क्या आ गया पी बटे बी, या बोल सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या लंब बटे आधार, इसी को या तो ये याद रखिए या तो ये, बात दोनों सेम है गाइज। उसी तरह कॉट क्या होगा टेन का उल्टा, कॉट क्या होगा गाइज टेन का उल्टा, आधार, आधार का मतलब बी, आधार का मतलब बी, और लंब, लंब का मतलब क्या पी, लंब का मतलब पी। उसी तरह कॉस, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब बी, और कर्ण का मतलब एच, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनियस, इसलिए आधार कॉस बराबर क्या हो गया आधार बटे कर्ण, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मतलब क्या हो गया हाइपोटेनियस, आधार का मतलब क्या हो गया बेस, हाइपोटेनियस, आधार का मतलब बेस। इसी तरह आपको गाइस क्या करना है याद कर देना है।
क्या करना है गाइज, इसी तरह छ को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो गाइज ये हुआ क्या, किसके अनुसार, थीटा के अनुसार आ गया। ये क्या किसके अनुसार आ गया गाइज, थीटा के अनुसार। यदि थीटा के अनुसार ये आ गया, लेकिन हम क्या बोले थे इसमें, ये तुम आपको दिया रहे, ये थीटा दिया तो इस थीटा के अनुसार ये फॉर्मूला याद किए, इस अनुसार से ये बैठा है। अगर आपको दे दे इस थीटा की जगह, अब जैसे थीटा कम हो गया, तो अब हम क्या करते गाइज, अब यहाँ से इस अल्फा को हल करते। ये थीटा के अनुसार था, ऐसा ही फिगर एक ऊपर बना लेते गाइज, सेम नीचे यहाँ, फिर क्या करते गाइज, इसी को सेम एक फिगर बनाते हैं इस तरह से। यही सेम फिगर ये बना लिया, मान लीजिए गाइज ये इसी का नाम देते, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ये थीटा ले लिए, तब थीटा से क्या करना है, यहाँ मान लेते क्या अल्फा, यहाँ क्या मान लेते गाइज अल्फा, यहाँ क्या मान लेते गाइज अल्फा, यहाँ क्या मान लेते हैं अल्फा। आप बताए थे गाइज क्या, 90 के सामने वाला, 90 यहाँ पर बी पर, 90 यहाँ बी पर, 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। 90 के सामने वाला क्या होता है गाइज, कर्ण होता है। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। उसके बाद बताए थे कि जो एंगल हमको मालूम होगा इस थीटा के अनुसार, जैसे इस थीटा के अनुसार ये लंब था, ये अल्फा के अनुसार कौन लंब होगा, ये अल्फा के अनुसार ये लंब होगा, कौन हो जाएगा लंब, नीचे वाला लंब कौन होगा, नीचे वाला। इसी तरह याद नहीं रखने के गाइज, यहाँ थीटे होगा हमेशा, कभी आपको यहाँ का मान दे के यहाँ का मान पूछेगा, इसी तरह दोनों याद रखिए, समझ के याद रखिए। इसलिए ये इस यहाँ अगर इस एंगल के अनुसार चलेंगे, इस एंगल के अनुसार चलेंगे तो ये लंब कहलाएगा, अगर इस एंगल के अनुसार चलते तो ये लंब होता, इस एंगल के अनुसार चल रहे तो ये लंब होगा, अगर इस एंगल के अनुसार चलेंगे तो ये लंब होगा। जैसे यहाँ पता है इस एंगल के अनुसार ये लंब हो गया, अगर इस एंगल के अनुसार चलेंगे तो ये लंब होगा। इसी तरह याद रखिए, ये अगर लंब हो गया तो ये क्या आ जाएगा गाइड, ये क्या आ जाएगा आधार, ये क्या आ जाएगा आधार हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आधार हो जाएगा। अगर इसी त्रिभुज के अनुसार आपसे पूछा जाए, जैसे इस त्रिभुज के अनुसार ये बन गया, अगर इस त्रिभुज के अनुसार आपसे पूछा जाए क्या साइन, आप इस त्रिभुज के अनुसार आपसे पूछ ले क्या साइन अल्फा, क्या पूछ ले साइन अल्फा, क्या पूछ ले साइन अल्फा, तो साइन अल्फा चाहे साइन अल्फा रहे या थीटा रहे, ये कभी बदलने वाला नहीं है, ये लंब बटे कर्ण कभी नहीं बदलेगा, समझ रहे हैं गाइज। तो क्या बोल रहे हैं, थीटा जैसे साइन थीटा बोले या साइन अल्फा बोले, ये कभी नहीं बदलेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, चाहे साइन थीटा बोले या साइन अल्फा बोले, ये क्या लिखाएंगे हमेशा, लिखेगा क्या लंब बटे क्या, लंब बटे क्या बोलिएगा, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा बोले या साइन अल्फा, जब भी कुछ बोले साइन थीटा बोले या साइन अल्फा, क्या होता है लंब बटे आधार। लेकिन इस त्रिभुज के अनुसार उसको हम क्या नाम दिए, जैसे पता चले यह कर्ण एसी है लेकिन आधार इसके अनुसार आधार लंब बदला गया, उसी तरह ये कभी नहीं बदला गया। साइन बराबर क्या बोलेगा लंब बटे कर्ण, क्या बोलिएगा लंब बटे कर्ण, लंब को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, पी बटे क्या बोलिएगा पी बटे एच, लंब हो गया पी, कर्ण हो गया एच। अब इस त्रिभुज के अनुसार से आप क्या नाम दीजिएगा, जैसे यहाँ पता है साइन अल्फा बराबर क्या हो गया लंब बटे कर्ण, इसी तरह याद रखिए साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से देखिएगा लंब का नाम क्या है इस त्रिभुज में, लंब किसको मानेगा यहाँ क्या है बी सी, यहाँ लंब क्या है बी सी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बी सी। अब बटे कर्ण, कर्ण यहाँ क्या है, कर्ण क्या है ए सी, कर्ण यहाँ क्या है ए सी, कर्ण क्या है ऐसे। इसलिए गाइज बोले कि इसको आपको याद नहीं रखना, ये ए बी सी जो भी है इसको आप याद नहीं रखिएगा, जब भी याद रखिए क्या साइन थीटा बराबर क्या लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या कर्ण बटे आधार, इस तरह से आपको याद रखना है। अब ये इसके अनुसार से पता चला साइन अल्फा भी क्या आ जाएगा लंब बटे कर्ण। अब इसके अनुसार जो त्रिभुज में ये नाम है उस नाम उसके अनुसार ये आपका चेंज होते रहेगा, ये क्या होगा चेंज, कभी हो सकता है यहाँ पी क्यू आर लेगा तो यहाँ चेंज आ जाएगा, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए गाइज ये त्रिभुज का नाम है ए बी सी, इसलिए यहाँ हम त्रिभुज का नाम ले सकते हैं डी ई एफ या पी क्यू आर, तो यहाँ से पी क्यू आर के फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए गाइज ये आपको याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण मतलब पी बटे एच, इसलिए बी सी बटे ए सी। चलिए गाइज फिर उसी तरह अगर हमको लिखना है क्या कौशिक, क्या लिखना है कौशिक अल्फा, कौशिक अल्फा बराबर हमको लिखना है, तो कौशिक अल्फा क्या होता है जस्ट साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण कहाँ चला जाएगा ऊपर, कर्ण कहाँ जाएगा ऊपर, बटे क्या आ जाएगा लंब नीचे, कैसे कहाँ क्या जाएगा लंब कहाँ आएगा नीचे, लंब कहाँ आ जाएगा नीचे, तो कर्ण को हम एच से डिनोट करते हैं, लंब को हम पी से डिनोट करते हैं, लंब को हम क्या करते हैं पी से डिनोट करते हैं, तो कर्ण का नाम यहाँ क्या है ए सी, कर्ण का नाम यहाँ क्या है ए सी, बटे पी, पी मतलब लंब, लंब यहाँ क्या है बी सी, लंब क्या है बी सी, मतलब साइन का जो मान आएगा बी सी बटे ए सी वही उल्टा हो जाएगा, ए सी ऊपर चला जाएगा बी सी नीचे चला जाएगा। आपको ये याद रखना है हमेशा, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कौशिक क्या होगा इसी का जस्ट उल्टा कर्ण बटे लंब। उसी अनुसार से जैसे हम मान निकालना चाहते हैं टेन का, किसका निकालना चाहते हैं टेन, टेन अल्फा, टेन अल्फा, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है गाइस टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेन क्या होता है लंब बटे आधार। अब लंब को हम किसे डिनोट करते हैं गाइस, लंब को डिनोट करते क्या पी से, लंब को डिनोट करते पी से, आधार को बी से, आधार को बी से डिनोट करते हैं, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। आप इसी अनुसार त्रिभुज के अनुसार अगर नाम लिखना चाहते हैं अल्फा, अल्फा के सामने वाला होता है लंब, ये कर्ण, ये आधार, तो यहाँ क्या है यहाँ क्या आएगा लंब, लंब किसको यहाँ माने बी सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा लंब के सामने क्या लिख सकते हैं बी सी, क्या लिख सकते हैं बी सी, बट आधार के सामने क्या गाइज, आधार के सामने यहाँ क्या है ए बी, आधार के सामने यहाँ क्या है ए बी,
आधार के सामने यह कहा गया कि ए बी है। उसी अनुसार से जब टेन में हमको पता चला है तो क्या निकाल सकते हैं, कॉट अल्फा। क्या निकाल सकते हैं, कॉट अल्फा। हमें हमेशा बोलते हैं कि टेन यदि याद है तो कॉट याद अपने याद हो जाएगा। तो कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा। आधार कहाँ चला जाएगा, ऊपर। आधार कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बटे क्या आ जाएगा, लंब नीचे। लंब कहाँ आ जाएगा, नीचे। जब इसको आप हल करिएगा क्या आ जाएगा, लंब कहाँ से। अब ये कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार का नाम है, आधार को हम क्या लिख सकते हैं, बेस। बी बटे क्या, पी। बी बटे क्या आ जाएगा, पी। आधार मतलब बेस, पी मतलब लंब। अब उसी अनुसार से यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आधार। आधार का नाम यह क्या गया, आधार का नाम है ए बी। तो आधार का जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। अब बटे उसी तरह आधार का नाम ए बी है, उसी तरह अगर लंब का नाम यह क्या है, बी सी। लंब का नाम क्या है, यहाँ से बी सी। तो ये जो टर्म यह आएगा बी सी बटे ए बी, तो यहाँ क्या देगा, ए बी बटे बी सी। उसी का जस्ट उल्टा, टेन का यदि आप रखिए, टेन का यू याद रखिए लंब बटे आधार। उसी तरह कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। ये चेंजिंग होते रहेगा, इसमें घबराना है क्या, कि त्रिभुज के अनुसार नाम जैसा जैसा रहेगा उस अनुसार से आएगा। जैसे त्रिभुज अभी तुरंत बताए थे कि त्रिभुज को हो सकता है पी क्यू आर दे देगा, लेकिन पी क्यू आर में यहाँ पी क्यू आर दे सकता है, इस तरह से आएगा। लेकिन यहाँ ये कभी चेंज नहीं होगा। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, सदा के लिए याद रखिएगा। उसी तरह कॉस को, उसी तरह हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस क्या होता है गाइज, आधार बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार को हम लिख सकते हैं क्या गाइज, आधार को हम लिख सकते हैं क्या, बी बटे एच। बेस मतलब आधार, एच मतलब कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस हो गया आधार बटे कर्ण। आधार को लिख सकते हैं बी, और कर्ण की जगह हम लिख सकते हैं एच। इसी तरह यहाँ से गाइज बोल सकते हैं कि आधार का नाम क्या है, यहाँ आधार ए बी है। आधार क्या है गाइज, ए बी। आधार क्या है, ए बी बटे कर्ण का नाम क्या है, यहाँ ए बी। कर्ण का नाम क्या है, ए सी। कर्ण का नाम यह क्या है, ए सी। ये कॉस हो गया क्या, आधार बटे कर्ण। इसके अनुसार से यह क्या हो गया, ए बी बटे ए सी। उसी तरह सेक अल्फा, उसी तरह सेक अल्फा। सेक अल्फा के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, सेक कॉस का उल्टा होता है। सेक किसके उल्टा होता है, कॉस का। कॉस हो गया क्या, आधार बटे कर्ण। सेक क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। 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 तो कर्ण को हम एच से डिनोट करते हैं, और आधार को बी से डिनोट करते हैं। तो उसी अनुसार से यहाँ से क्या बोल सकते हैं, कर्ण का यहाँ नाम क्या है, ए सी। कर्ण का यहाँ क्या है, ए सी। उसी अनुसार बेस का नाम यहाँ क्या है गाइज, ए बी। बेस का नाम क्या है, यहाँ से ए बी है। तो यही गाइज आपका ये हो गया क्या, ये सिंपल चीज़ है। आप ये सिर्फ याद रखिए, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉसेक क्या होगा, आधार। कर्ण बटे लंब। उसी तरह टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। उसी तरह कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। उसी तरह क्या होगा, कॉस आधार बटे कर्ण। तसे क्या होगा, कर्ण बटे आधार। आप यदि इस तरह से याद रखिए, साइन याद रखिएगा तो कॉसेक याद हो जाएगा, फिर टेन याद रखिएगा तो कॉट याद हो जाएगा, उसी तरह कॉस याद रखिएगा तो सेक याद रखिएगा। इसी अनुसार आपको कम से कम साइन लंब बटे कर्ण, कॉसेक कर्ण बटे आधार या कर्ण बटे लंब। उसी तरह क्या, टेन लंब बटे आधार। कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण। सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार। मतलब साइन याद है तो कॉसेक बोल सकते हैं, अगर टेन याद है तो कॉट बोल सकते हैं, अगर कॉस याद है तो सेक बोल सकते हैं। तो गाइज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे हम फिर चर्चा करते हैं गाइज पॉइंट का। तो चलिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है गाइज। तो ये आप लोग देख चुके हैं, तो गाइज ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसको बी 90 डिग्री है। तो बताए थे 90 के सामने वाला क्या कहलाते हैं, कर्ण। कर्ण को हम कर्ण ने लिखे, कर्ण की जगह क्या लिख दिया, एच। एच का मतलब क्या क्या होता है, कर्ण। हमेशा याद रखिए, एच का मतलब क्या होता है, कर्ण। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हम पी ले लिए। उसी तरह बचा क्या, आधार। बीसी क्या कहलाएगा, यहाँ आधार कहलाएगा। थीटा के अनुसार ये बीसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। उसी अनुसार साइन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब मतलब हो गया पी, और कर्ण मतलब हो गया बी। इसी तरह याद रखें, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। कॉसेक थीटा बराबर क्या आएगा, एच बटे पी। उसी तरह टेन थीटा बराबर क्या आएगा, पी बटे बी। कॉट थीटा बराबर क्या आएगा, बी बटे पी। कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, बी बटे एच। उसी तरह सेक थीटा बराबर क्या आएगा, एच बटे बी। जहाँ एच और बी पता है कि एच पी मतलब लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये कर्ण, ये लंब, ये लंब, ये आधार, ये आधार, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ये कर्ण और ये आधार। ये हमको याद है कि, या आप भी याद रखिएगा, पी मतलब लंब, एच मतलब कर्ण, बी मतलब बेस, इस तरह से याद रखिए। तो चलिए गाइज हम लोग क्या हल करते हैं। तो गाइज क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ले लीजिए क्या, साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या लीजिए गाइज, साइन थीटा इंटू कॉस। जैसे साइन थीटा ले लिया और कॉसेक थीटा, ये गुना कर दिए, इसका मतलब गिंदा का मतलब क्या है गाइज, दोनों का गुना कर दिए। जब साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जब गुना करिएगा, तो साइन थीटा का मान क्या है गाइज, साइन थीटा का मान क्या है, साइन का मान क्या है, पी बटे एच। पी बटे एच, साइन का मान क्या है, पी बटे एच, और गुना। और कॉसेक थीटा का मान क्या है, एच बटे पी। क्या है, एच बटे
पी, क्या है एच बटे पी, जैसे ये दोनों गुना कर दिए साइन और कौशिक को, क्या कर दिए गुना, साइन और कौशिक को आप गुना करिएगा क्या देगा, साइन का मान क्या आ गया पी बटे एच और कौशिक का मान क्या है एच बटे पी, जब इसको हल करिएगा क्या हो जाएगा पी से पी कट जाएगा और एच से एच कट जाएगा, तो ये क्या देगा गाइज साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये दोनों ये सभी कट गए, कटने पर कितना आ गया वन, कितने कटने पर कितना आ गया वन, तो आपको ये याद रखना कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर कितना आता है वन, ये एक तरह से क्या आ गया फार्मूला, फार्मूला इस तरह से ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ गाइज, इसलिए साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर कितना हो गया वन, आप इसी को लिख सकते हैं, इसलिए क्या साइन थीटा बराबर जब जैसा यूज होगा तो आप यूज कर सकते गाइज, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा वन बटे कौशिक थीटा, वन बटे कौशिक थीटा, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं वन बटे कौशिक थीटा, या आप लिख सकते हैं क्या कौशिक थीटा बराबर कितना गाइज वन बटे साइन थीटा, कौशिक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं वन बटे साइन थीटा, कैसे आता गाइज साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर देख ली किससे आ गया वन, अब यहाँ जब इंटू में दोनों वन है तो एक गुना में तो इधर कहाँ जाएगा भाग में, इसीलिए कौशिक को इधर कहाँ भाग दिए भाग में भेज दिए, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या याद रखेगा वन बटे कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा बराबर क्या याद रखेगा कि वन बटे साइन थीटा, गुना में भाग गुना में था कहाँ चला गया नीचे, तो ये आप तीनों इस तरह से क्या करिए गाइज याद रख लीजिएगा, तीनों को क्या करिएगा याद कर लीजिएगा, एक याद रखिएगा इसको तो अपने ये दोनों याद रहेगा, सिर्फ इसको याद रखिए, बाकी जिस जो हमको निकालना है जैसे हमको साइन निकालना है तो कौशिक को भाग में लगा दिए, यदि हमको कौशिक निकालना है तो साइन को भाग लगा दीजिए, इसलिए एक को याद रखिएगा तो दोनों अपने याद रहेगा, चलिएगा दूसरा लेख चलते हैं, ये हो गया जब साइन और कौशिक को गुना करिए तो इस तरह से आया, जब उसी तरह टेन और कॉट को गुना करिएगा तो कुछ लिख सकते हैं, चूंकि जब टेन थीटा, जब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, जब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को गुना करेंगे तो टेन थीटा का मान क्या है पी बटे बी, टेन थीटा का मान क्या है पी बटे बी, और कॉट थीटा गुना है तो कॉट थीटा का मान क्या है बी बटे पी, बी बटे पी, जब इसको हल करिएगा तो पी से पी कट जाएगा बी से बी कट जाएगा, इसलिए यहाँ से बोल सकते हैं क्या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा वन, इसको भी याद रखिएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा वन, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं गाइज फिर क्या टेन थीटा बराबर यदि आपसे पूछा जाए क्या बोलिएगा वन बटे कॉट थीटा, क्यों बोलिएगा कि गुना में तो कहाँ जाएगा भाग में, क्या है गुना में तो कहाँ जाएगा भाग में, टेन थीटा बराबर क्या वन बटे कॉट थीटा, उसी तरह आपसे पूछा जाए कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते गाइज वन बटे टेन थीटा, वन बटे कितना टेन थीटा, तो ये गाइज आप तीनों को क्या करिएगा इस तरह से याद रख लीजिएगा, ये तीनों को क्या करिएगा याद रख लीजिए, ज़्यादातर हमको इसको याद रखना है, अगर ये याद है तो आप इस तरह से अपने निकाल सकते हैं, इसको अपने से क्या कर सकते गाइज निकाल सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना वन, इसलिए टेन थीटा बराबर बोलेगा तो ये कॉट गुना में इधर कहाँ जाएगा भाग में, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया वन बटे कॉट थीटा, यदि आपसे कॉट थीटा बराबर पूछेगा तो क्या बोलिएगा वन बटे टेन थीटा, क्या टेन थीटा गुना में इधर कहाँ जाएगा भाग में, ये तीनों को आप इस तरह से क्या करिएगा याद कर लीजिएगा, सिमिलरली उसी तरह गाइज क्या करना जैसे साइन कौशिक को गुना किए आ गया फिर टेन कॉट को गुना किए आ गया, उसी तरह कॉस और सेक को गुना करिएगा, क्या जब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को गुना करिएगा तो कॉस थीटा का मान क्या गाइज कॉस थीटा बराबर क्या है बी बटे एच, कॉस थीटा बराबर क्या है बी बटे एच और सेक थीटा क्या है एच बटे बी, तो कॉस थीटा क्या है बी बटे एच और सेक थीटा क्या है एच बटे बी, सेक थीटा क्या गाइज एच बटे बी, सेक थीटा बराबर क्या है एच बटे बी, सेक थीटा बराबर क्या गाइज एच बटे बी, तो चलिए गाइज इसको जब सॉल्व करिएगा तो बी से बी कट जाएगा और एच से एच कट जाएगा, एच से क्या होगा एच कट जाएगा, इसी तरह यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा वन, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना आ गया वन, तो ये आपको याद रखना है क्या ये सभी क्या है फॉर्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना वन, इसी तरह लिख सकते हैं क्या गाइज कॉस थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं वन बटे कितना सेक थीटा, वन बटे कितना सेक थीटा, उस तरह सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते गाइज वन बटे कॉस थीटा, वन बटे कॉस थीटा, ये तीनों आप इस तरह से याद कर लीजिएगा, मेन है इसको याद रखना, अगर ये याद है तो इस तरह से आप निकाल सकते गाइज, तो ये हो गया गाइज इसको आप याद कर लेना है, तो उसके बाद और फिर याद कर सकते गाइज क्या यदि आप क्या करिए साइन थीटा को भाग लगा दीजिए किसको, साइन थीटा को भाग लगा दीजिए कॉस थीटा को, जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग लगाएंगे गाइज क्या जब साइन थीटा और बटे क्या कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को जब भाग लगाएंगे तो साइन थीटा का मान क्या है गाइज साइन क्या है यहाँ पी बटे एच, साइन क्या है गाइज पी बटे एच, साइन की जगह हम रख सकते क्या पी बटे एच, उसी तरह गाइज क्या कॉस थीटा साइन थीटा था पी बटे एच, कॉस थीटा क्या है बी 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 बटे एच, क्या है बी बटे एच, जब इसको सॉल्व करिए गाइज ये क्या आ गया पी बटे एच, ये मेन बटा है तो मेन बटा के नीचे जो होता है ये टर्म क्या होगा पलट जाएगा, ये जब गुना में करिएगा तो क्या आएगा नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर और ये ऊपर वाला टर्म कहाँ आएगा नीचे, तो इसलिए एच से एच कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा गाइज यहाँ से जो आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा गाइज यहाँ से आप बोल सकते हैं, इसलिए क्या बोल सकते हैं साइन थीटा
बराबर क्या कॉस थीटा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या बचा गया, यहाँ पी बचा यहाँ बी बचा, तो क्या बोल सकते हैं पी बटे बी, क्या बोल सकते हैं पी बटे बी। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान क्या गया पी बटे बी, तो पी बटे बी किसका मान है टेन थीटा, पी बटे बी बराबर क्या है टेन थीटा, पी बटे बी बराबर क्या है टेन थीटा। इसलिए यहाँ सब बोल सकते क्या, इसलिए यहाँ सब बोल सकते क्या गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या आ गया पी बटे बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं पी बटे बी की जगह क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, पी बटे बी की जगह क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। तो इसी तरह एक फार्मूला बन गया क्या गाइस टेन थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं गाइस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कैसे आया, तो ये हो गया किस तरह से हम फार्मूला लाते हैं गाइस, आपको सिर्फ याद कर लेना क्या गाइस इस तरह से याद रखना, ये हम बताएं कैसे आपको बनाते हैं कैसे ये फार्मूला लाते हैं। तो इसीलिए तरह क्या साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। सिमिलरली उसी तरह आपको याद रखना क्या, जब हम क्या कर सकते हैं गाइस इसी को जब उल्टा भाग लगे, इसी को जब हम उल्टा भाग लगे तो कॉस को ऊपर भेज देंगे और साइन को कहाँ नीचे, कॉस को ऊपर साइन को नीचे, जब कॉस को ऊपर रखिएगा साइन के नीचे तो कॉस का मान क्या है बी बटे एच, कॉस का मान क्या है बी बटे एच, कॉस का मान क्या है बी बटे एच, और उसी तरह साइन का मान क्या है पी बटे एच, साइन का मान क्या है पी बटे एच, साइन का मान क्या है पी बटे एच, साइन का मान क्या है पी बटे एच। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये बी बटे एच गुना ये नीचे वाला पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, तो एच बटे क्या आ जाएगा पी, एच बटे क्या आ जाएगा पी, यहाँ से एच कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ से क्या बचेगा क्या बचेगा बी बटे पी, क्या बचेगा गाइज बी बटे पी। तो बी बटे पी क्या आता है गाइज बी बटे पी, यहाँ से देखिएगा कि याद है क्या बी बटे पी, तो बी बटे पी यहाँ से बी बटे पी का मान क्या है कॉट, बी बटे पी बराबर क्या है कॉट, तो इस बी बटे पी बराबर क्या आ गया कॉट, इसको हम लिख सकते कितना गाइज कॉट थीटा, क्या लिख सकते कॉट थीटा। तो यहाँ से एक आ गया फॉर्मूला साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या आ गया कॉट थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या आ गया कॉट थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते गाइज क्या कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या आ गया कॉट थीटा, क्या आ गया कॉट थीटा। आप ये याद रख लीजिएगा, तो जो जो आपको घेरा लगाए हुए गाइस इसको क्या करना है आपको याद कर लेना है, ये आप सबका क्या है फार्मूला है, ये इस तरह से बताते ताकि ये किस तरह से आता है, ये इस तरह से बता दिया ताकि आप भूलिएगा नहीं, आप किसी को समझा सकते कैसे आता है ये फार्मूला। तो गाइस आप स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर से आगे हम फार्मूला को ट्राइव करते हैं, ये सभी को आपको याद रख लेना है, ये सभी को क्या करना है याद रख लेना गाइस। चलिए गाइस स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर से आते हैं। तो चलिए गाइज नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं गाइज। तो एक थोड़ा गाइज ये याद रखिएगा क्या गाइज पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिख सकते हैं गाइज, पाइथागोरस प्रमेय से आप ये याद रखिएगा क्या पाइथागोरस क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या गाइज लंब का स्क्वायर प्लस, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को यहाँ क्या माने एच, कर्ण को क्या माने एच का स्क्वायर बराबर क्या लंब, यहाँ क्या है पी, लंब क्या है पी, पी स्क्वायर, और आधार क्या है बी, आधार क्या है बी स्क्वायर। तो आप इस तरह से याद रख लीजिएगा एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या आपको याद रखना क्या, जैसे हमको मान लीजिए पी निकालना है तो पी बराबर पी को इधर रखेंगे बी को इधर करेंगे तो क्या देखा गया यहाँ आ देगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पी स्क्वायर। आप यदि आपको b निकालना है तो एच बी पी को इधर कर दीजिए इसलिए आ जाएगा क्या एच स्क्वायर माइनस क्या पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्या याद रखना ये, क्या याद रखना ये याद रखिएगा कि ये कहाँ से आया अपने बोल सकते हैं, कहाँ से आया तो आप खुद बोल सकते हैं। इसी तरह ये क्या गया कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण को डिनोट करते हैं एच से इसलिए आ गया एच स्क्वायर बराबर, लंब को डिनोट करते हैं पी से इसलिए आ गया पी स्क्वायर, या अर्थ को आधार को लिखते हैं बी से इसलिए एच स्क्वायर बराबर क्या बोलिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए हम पी का स्क्वायर अगर निकालना है पी का वैल्यू निकालना है क्या कर देंगे बी को इधर कर देंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पी स्क्वायर, या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या बी स्क्वायर। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय कहता है, और हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ बहुत मतलब प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय एग्जाम में आपका आता है, पाइथागोरस हो गया पाइथागोरस का विलोम हो गया थेल्स प्रमेय हो गया थेल्स प्रमेय का विलोम, हम चारों वीडियो बना चुके हैं गाइस आप जाके उस वीडियो को वॉच कर लें ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है थ्योरम, इसलिए चारों थ्योरम हम बता चुके हैं गाइस। तो चलिए गाइस यहां से आप स्टार्ट करते हैं फार्मूला क्या होता है त्रिकोणमिति का। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और चैनल को चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब जब वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, इसलिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइज अब हमको याद क्या करना है, अब यह फार्मूला क्या निकालना है गाइज, यदि जैसे यह साइन है तो क्या कर सकते हैं गाइज साइन का यह क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये जो कॉस है ये कॉस है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन का स्क्वायर कर दिए और कॉस का स्क्वायर कर दिए, साइन का स्क्वायर कर दिए और कॉस का स्क्वायर कर दिए। तो साइन का मान यह क्या गाइज, साइन को हम क्या माने, पी बटे एच, क्या माने गाइज, साइन थीटा की जगह हम लिख सकते क्या गाइज, पी बटे एच, पी बटे एच का क्या स्क्वायर। फिर प्लस उसी तरह कॉस थीटा का क्या माने, एच बी बटे एच, क्या माने, बी बटे एच, बी बटे एच का क्या जगह स्क्वायर, बी बटे एच का क्या जगह स्क्वायर, बी बटे एच का क्या जगह स्क्वायर। जब इसी को सॉल्व करिए, ये क्या है, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन का स्क्वायर प्लस का कॉस का स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन का मान क्या है, एच बटे पी, एच बटे पी रख दिए, कॉस का मान क्या है, बी बटे एच, तो बी बटे एच का मान रख दिए। इसी अनुसार का जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या देगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, एच का स्क्वायर क्या देगा, एच स्क्वायर। उसी तरह यहाँ क्या बोल सकते हैं, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और एच का स्क्वायर क्या देगा, एच स्क्वायर। आप एलसीएम लेना जानते हैं गाइस, तो एच स्क्वायर का एलसीएम क्या देगा, एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर आ जाएगा, क्या देगा, एच स्क्वायर। जब एच स्क्वायर से भाग लगे तो एक आएगा, एक गुना पी स्क्वायर क्या देगा, पी स्क्वायर। प्लस जब एच स्क्वायर भाग लेते आएगा एक, एक गुना बी स्क्वायर क्या देगा, बी स्क्वायर, क्या देगा, बी स्क्वायर। तो आप यहाँ से याद करें क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है, एच स्क्वायर। तो इसके जगह पर रख सकते क्या, एच स्क्वायर बटे ये एच स्क्वायर पहले से, तो ये दोनों गाइज क्या होगा, कट जाएगा, कटने पर कितना आ जाएगा वन, कटने पर कितना आ जाएगा वन। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं गाइज क्या, यहाँ से आप यही बोल सकते क्या गाइज, साइन स्क्वायर, या इधर लिख देते गाइज, यहाँ से आप बोल सकते क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको आप सॉल्व किए तो कितना आ गया गाइज, वन, कितना आ गया गाइज, वन आ गया। तो ये आपको क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला गाइज, क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, वन। यही आपको अगर ये हो गया फार्मूला, आपको इसी को याद रखना है, इसी से क्या क्या आप बना सकते हैं। जैसे हमको अगर निकालना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते, ये प्लस है तो उधर भेजिए क्या देगा, माइनस, तो वन माइनस क्या देगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसी को अगर हमको साइन थीटा के रूप में लिखना है तो यहाँ से क्या जाएगा, साइन ये स्क्वायर है तो उधर कहाँ जाएगा, रूट स्क्वायर है तो कहाँ जाएगा, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसी से सब बना हुआ है, इसलिए ये एक तरह से समीकरण के जैसा है, क्या ये एक तरह से समीकरण के जैसा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, वन। अब हमको साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखे, कॉस प्लस था तो उधर भेजे क्या आ गया, माइनस, और यहाँ से साइन स्क्वायर बराबर क्या आ गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर। अगर हमको साइन में यूज करना है तो इसलिए ये स्क्वायर है तो उधर कहाँ जाएगा, रूट में, तो इसलिए साइन थीटा बराबर क्या आ गया, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक तरह से बना, तो ये भी आपको क्या करना है, इस तरह से याद कर लेना, इसको भी क्या करना है, इस तरह से आपको याद रख लेना, इसको भी क्या करिएगा, इसको भी याद रख लीजिएगा। फिर उसी तरह क्या लिख सकते हैं, फिर उसी तरह अभी क्या, यहाँ जैसे साइन को इधर रखे, कॉस को उधर किया, तो अभी यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉस को इधर रख लिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, वन माइनस, साइन को उधर भेजिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर चला जाएगा माइनस में, तो ये आगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को अगर आप रूट में लिखना चाहते तो क्या लिखाएगा, कॉस स्क्वायर है तो उधर कहाँ जाएगा, रूट अंडर, क्या जाएगा, रूट अंडर कितना, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है इसका भी। ये था सिर्फ आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, क्या किसका था गाइज, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। सिमिलरली उसी तरह आपको याद रखना किसका गाइज, जब आपके जैसे यहाँ साइन और कॉस को लिया, तो इसी तरह अगर हमको क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले लेते किसका, सेक और टेन का, क्या ले सकते गाइज, सेक और टेन का। जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करते क्या गाइज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे क्या जी गाइज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या निकालिएगा, देखिएगा। जैसे ये टर्म जब आया, इस टर्म के आने के बाद यहाँ से या तो क्या कर सकते गाइज, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, चलिए यहाँ तक आपको समझ में जब आ गया तो यहाँ से हम लिख सकते, इसी से देखिए कैसे फॉर्मूला आता है। जैसे मान लो कि यहाँ गाइज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया गाइज, वन, ये था आपको आ गया। तो क्या करते गाइज, ये हो गया एल एच एस, ये हो गया आर एच एस। जब साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन आ गया, तो क्या करते गाइज, दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग लगाते, किससे गाइज, कॉस थीटा से भाग देने पर, दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर। जैसे इसको कॉस थीटा से भाग लगाइए किसको, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या, कॉस थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा से किससे भाग लगाते गाइज, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगाते। यहाँ गाइज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या लिख सकते हैं, भाग लगाना मतलब नीचे, तो कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगा दिए, इधर भी क्या करना है, वन बटे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या करें गाइज,
इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में क्या भाग लगाए, लिख दिए दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से, इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगाए, इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगाए। अब उसके बाद क्या करिए गाइस, इसको अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करने का मतलब हो गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ फिर क्या दिया कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे कितना कॉस स्क्वायर थीटा, इसी में इतना बटे ये लिख दिया, फिर इतना बटे ये लिख दिया, अब बराबर क्या वन बटे कॉस स्क्वायर इस जस्ट पहले देखे थे गाइस, वन बटे कॉस क्या देता है आपको, यहाँ से आपको लिखे थे गाइस क्या, वहाँ से वन बटे कॉस थीटा गाइस क्या लिखे थे, वन बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, वन बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। जस्ट इससे पहले हम जब मिटाए थे उसमें ये फार्मूला लिखाए थे, तो वन बटे कॉस के जगह क्या लिख सकते हैं सेक, अगर कॉस के स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या देगा स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए क्या बोल सकते हैं वन बटे कॉस स्क्वायर क्या देगा सेक स्क्वायर, क्या देगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या देगा गाइस सेक स्क्वायर थीटा दे देगा। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से हम गाइस अभी जस्ट देखे थे क्या गाइस साइन थीटा बटे क्या कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या देखे थे टेन थीटा, क्या देखे थे टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो उसी तरह यहाँ अगर स्क्वायर करते हैं यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं यहाँ भी क्या देगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर कट के क्या आ जाएगा यहाँ वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा वन, तो यहाँ से आ जाएगा आ गया गाइस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया एक फार्मूला, यहाँ आ गया क्या आ गया एक तरह से यहाँ फार्मूला आ गया गाइस, क्या आ गया फार्मूला याद रखिएगा गाइस क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो गाइस आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि इसको मिटाने पर फिर हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, तो आप यहाँ से क्या करिए गाइस स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि आगे बताते हैं। तो गाइज आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइस यहाँ से क्या आ गया फार्मूला टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर क्या सेक स्क्वायर थीटा, इसी अनुसार से आप लिख सकते हैं क्या आ जाएगा गाइस जब वन को आप उधर भेजिएगा, तो जब वन को आप उधर भेजिएगा क्या आ जाएगा गाइस यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये वन प्लस है तो उधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा गाइस सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा वन, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक आप या तो ये याद रखिएगा। साथ में हम वन को उधर भेजें आप टेन को भी उधर भेज सकते हैं, जब आप टेन को उधर भेजिएगा तो क्या आ जाएगा, जब टेन को आप उधर भेजिएगा क्या देगा गाइज, जब टेन को आप उधर भेजिएगा तो ये आ जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा, जब टेन को उधर भेजिएगा क्या देगा माइनस में क्या देगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या देगा गाइज वन, ये भी किससे बना है इसी से बना है, क्या किए गए टेन को उधर भेज दे, टेन को उधर भेज दे तो क्या देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन बराबर क्या देगा वन, ये तीनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइज, तो ये आपको क्या करना याद कर लेना है। तो चलिए गाइज ये आप याद लिख लीजिए, फिर आप यहाँ से क्या करना है गाइज फिर से वही लिखना है क्या, चूंकि क्या लिखिए गाइज जैसे था क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था वन, आपको यही सिर्फ जो घेरा वाला लगा है इसको आपको याद रखना है। आइए तो आपको हम जस्ट अभी तुरंत मिटाए हुए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है वन, आप इसी को जैसे अभी हम कॉस स्क्वायर से भाग लगा लें, अभी किससे भाग लगा देना गाइज, अभी किससे भाग लगाना है साइन से, दोनों तरफ क्या करते गाइज दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, जब दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग दीजिएगा तो यह क्या लिख सकते हैं गाइस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे कितना गाइस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना वन बटे साइन स्क्वायर थीटा, वन बटे क्या साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह जब इसको गाइस क्या करिएगा इसको जब बाय पार्ट अलग अलग लिखिएगा क्या देगा वन साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन इतना बटे इतना फिर इतना बटे इतना बराबर क्या वन बटे साइन याद रखिएगा क्या वन बटे साइन, तो वन बटे साइन थीटा बराबर होता है क्या कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा। जस्ट इससे पहले हम अभी बताए हुए हैं उसको आप याद कर लीजिएगा वन बटे साइन बराबर क्या होता है कॉसेक, अगर वन बटे साइन बराबर कॉसेक होता है तो वन बटे साइन स्क्वायर तो यहाँ भी क्या देगा यहाँ भी स्क्वायर, तो वन बटे साइन स्क्वायर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर, तो वन बटे साइन स्क्वायर क्या देगा कॉसेक स्क्वायर, क्या देगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा दे देगा। यहाँ से पता है साइन स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा वन प्लस यस कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर क्या देगा कॉट स्क्वायर, क्या देगा कॉट स्क्वायर। आपको बताए थे क्या गाइस क्या आपको ये भी बताए थे क्या कॉस थीटा बटे साइन थीटा,
कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, जस्ट बताए थे इसे जस्ट पहले। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर कर दे यहाँ साइन स्क्वायर कर देते यहाँ से क्या दिया जाएगा कॉट स्क्वायर, क्या जाएगा कॉट स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसलिए लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कॉट स्क्वायर थीटा, अब बराबर कितना आ गया कॉस एक स्क्वायर थीटा, कितना दिया कॉस एक स्क्वायर थीटा। तो एक तरह से ये फार्मूला याद गया, इसको ये आपको क्या करना है याद कर लेना क्या वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप इसी को इस तरह से अगर वन को आप उधर भेज दीजिएगा, वन को आप उधर भेजिएगा क्या जाएगा यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना वन प्लस साथ इधर क्या आ जाएगा माइनस में। तो ये भी आपका क्या एक तरह से फार्मूला बन गया। या आप क्या कर सकते हैं गाइस, आप ये भी कर सकते हैं कॉट स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं, जब कॉट स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो क्या जाएगा कॉट स्क्वायर को उधर भेजिएगा क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब कॉट को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा माइनस में, क्या देगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा वन, क्या बचेगा गाइज वन। इस तरह से ये सब क्या बन गया फार्मूला बन गया गाइज। तो गाइज इतना त्रिकोणमिति का फार्मूला था, आप फार्मूला को इस तरह से याद कर लीजिए गाइज ताकि आपको बहुत काम आएगा। इसलिए गाइज स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा अब क्या करना है आपको याद थोड़ा चार्ट लिखा देते हैं कि साइन जीरो का मान कितना होता है, टेन जीरो का मान क्या होता है, इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है गाइज। तो चलिए गाइज आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए गाइज ये मान को याद रख लीजिए, कम से कम आपको ये चार्ट जो टेबल है कम से कम ये आपको पाँच नंबर दिलाएंगे, कम से कम पाँच नंबर, ये कम से कम डायरेक्ट पूछ लेते हैं साइन जीरो का मान क्या होता है, टेन एक सौ साइन पैंतालीस का मान क्या होता है, या कोसेक पैंतालीस का मान क्या होता है, इस तरह से पूछ लेते हैं और इससे संबंधित सवाल पूछते हैं कि इसका मान को यूज करके बताते हैं। इसलिए गाइज इसको आपको याद कर लेना, कैसे याद करते हैं बताने का तरीका बताते हैं, आप भूलिएगा नहीं, अगर सोच के याद रखिएगा, सिर्फ आप साइन को याद रखिए, साइन का याद रखना है। तो साइन का ये क्या होता है साइन जीरो डिग्री का मान, अगर पूछेगा साइन जीरो डिग्री का मान क्या होता है, साइन जीरो डिग्री का मान जीरो होता है, क्या होता है साइन जीरो, साइन जीरो डिग्री का मान आपसे पूछेगा क्या साइन जीरो डिग्री का मान क्या बोलिएगा तो जीरो बोलिएगा तो जीरो लिख दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा साइन तीस डिग्री तो साइन तीस डिग्री का मान क्या होता है, तो आप बोलिए क्या एक बटे दो होता है, तो साइन एक साइन तीस का मान कितना होता है एक बटे दो। उसी तरह आपसे पूछेगा क्या साइन पैंतालीस डिग्री का मान क्या होता है, साइन पैंतालीस का मान हो तो वन बटे रूट टू, क्या याद रखिएगा वन बटे रूट टू। फिर उसी तरह साइन साठ डिग्री का मान पूछेगा तो साइन साठ बराबर क्या याद रखिएगा रूट थ्री बटे टू, क्या याद रखिएगा रूट थ्री बटे टू, रूट थ्री बटे टू। उसी तरह याद रखिएगा साइन नब्बे का मान, साइन नब्बे डिग्री का मान कितना होता है वन, साइन नब्बे डिग्री का मान कितना होगा वन, साइन नब्बे डिग्री का मान कितना आ जाएगा वन। तो हम गाइड कहते हैं सिर्फ आपको किसको याद रखना है साइन को याद रखना है, साइन किसी भी तरह आप याद कर लीजिए बाकी आपको ये सभी याद हो जाएगा। आपको साइन याद रखना है साइन जीरो जीरो, साइन तीस वन बटे टू, साइन पैंतालीस वन बटे टू, साइन साठ रूट थ्री बटे टू, साइन नब्बे का मान एक, इसी तरह चार बार पाँच बार पढ़िएगा गारंटी ही याद होगा। साइन जीरो जीरो, साइन तीस वन बटे टू, साइन पैंतालीस वन बटे टू, साइन साठ रूट थ्री बटे टू, साइन नब्बे का मान एक, इसी तरह दो बार तीन बार पाँच बार पढ़िएगा गाइड साइन को याद होगा। जहाँ से साइन को याद कर लीजिएगा, देखिए कैसे कॉस को याद रखवाते हैं हम। तो ये आपको कॉस को याद रखना है, जैसे यहाँ से आप बताए साइन जीरो का मान जीरो, साइन तीस का मान वन बटे टू, साइन पैंतालीस वन बटे रूट टू, साइन साठ रूट थ्री बटे टू, साइन नब्बे का मान एक। उसी तरह आपको जब कॉस जीरो का मान पूछेगा, कॉस जीरो का मान पूछेगा तो साइन जो है पीछे वाला वो टर्म को आगे लिख दीजिएगा। जैसे कॉस जीरो का मान, जैसे कॉस जीरो का मान पूछेगा तो आपको क्या लिख देना वन, जो लास्ट में है उसको पहले लिख दीजिए। जैसे कॉस तीस का मान पूछेगा, जैसे कॉस तीस का मान पूछेगा तो इसके जस्ट इसके इधर आते जाइएगा, जैसे इसको यहाँ लिखना, इसको यहाँ लिखना, उसके आगे यहाँ, फिर ये इधर तो इधर, मतलब इसी टर्म को पलट देता है, मतलब ये जो अंतिम में है उसको शुरू लिखते जाइएगा, उसी तरह इस तरह से लिखते जाइए। उसी तरह कॉस तीस का मान पूछेगा क्या बताइएगा रूट थ्री बटे कितना टू, कितना रूट थ्री बटे टू। अगर आपसे पूछे कॉस पैंतालीस का मान, तो जैसे इसको यहाँ लिखे तो उसके बाद इसको यहाँ लिखे तो इसके बाद ये यहीं लिखाएगा, तो वन बटे क्या आ जाएगा रूट टू, वन बटे कितना आ जाएगा रूट टू। तो साइन पैंतालीस का मान भी उतने, कॉस पैंतालीस का मान भी उतने। ताता एक क्वेश्चन का है जी, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कितना डिग्री पर मान बराबर होता है, क्या बोलिएगा पैंतालीस डिग्री पर। ये ऑब्जेक्टिव के और पूछ चुका है एग्जाम में, इसलिए गाइज याद रखिएगा। तो पता चला कॉस पैंतालीस का मान भी कितना वन बटे टू, ये वन यहाँ आ गया, रूट थ्री बटे टू यहाँ आ गया, ये यहाँ, तो अभी ये वन बटे टू कहाँ आ जाएगा यहाँ, तो वन बटे टू कितना आ जाएगा यहाँ, तो अभी यहाँ से ये जीरो कहाँ चलाएगा लास्ट में, जीरो कहाँ चलाएगा लास्ट में। इसी तरह याद रखिएगा क्या कॉस जीरो का मान एक, कॉस तीस का मान रूट थ्री बटे टू, साइन कॉस पैंतालीस का वन बटे रूट टू, कॉस साठ का मान वन बटे टू, और कॉस नब्बे का मान जीरो। तो किससे आया साइन से आया, किस तरह से याद रखें, देखें कि साइन को याद रखें उसी को क्या याद रखने के अंतिम से शुरू करते जाना है, अंतिम से क्या करना है शुरू करते जाना है। उसी तरह ये आ गया किसका गाइज, इसका आ गया किसका
साइन और कॉस का मान हम निकाल चुके थे। अब जैसे आपको टेन का अगर निकालना है, किसका गाइस टेन का, यदि आप मान लीजिए टेन का यदि भूल गए, हमको पता है कि टेन जीरो का मान क्या होता है, जीरो, हमको पता है टेन जीरो का मान जीरो होता है, कैसे निकालते थे हम बताते गाइस। अगर आपसे पूछ ले टेन जीरो, क्या पूछ ले टेन जीरो, किसका मान पूछ लेगा टेन जीरो, टेन जीरो का आपको पता है कि टेन थीटा बराबर बताए थे फॉर्मूला क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये थीटा यहाँ है तो यहाँ थीटा थीटा लिए, उसी तरह यहाँ जीरो है तो यहाँ क्या आ जाएगा इस फॉर्मूला पर बैठा होते हैं, अगर यहाँ थीटा की जगह जीरो रख दे यहाँ भी जीरो तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी क्या आ जाएगा जीरो। उसी तरह टेन जीरो बराबर क्या लिखेगा साइन जीरो बटे क्या कॉस जीरो, साइन जीरो बटे कॉस जीरो, साइन जीरो बटे क्या कॉस जीरो, साइन जीरो बटे कॉस जीरो, तो साइन जीरो का मान कितना आ गया जीरो, और कॉस जीरो का मान कितना आ गया वन, साइन जीरो का मान जीरो कॉस जीरो का मान वन, तो जीरो बटे वन क्या देगा जीरो। इसी तरह से याद निकाल सकते गए, तो यह आप याद कर लीजिएगा, हम निकालने के लिए भी बता दिए कि कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमको निकालना है टेन तीस, हमको कैसे निकालना है टेन तीस, तो टेन तीस बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन क्या होता है टेन होता है साइन बटे कॉस, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या साइन तीस डिग्री बटे कॉस तीस डिग्री, बटे कॉस तीस डिग्री, कॉट तीस डिग्री, कॉट तीस डिग्री, साइन तीस का मान कितना है एक बटे टू, साइन तीस का मान एक बटे टू है, कॉस तीस का मान कितना है रूट थ्री बटे टू, रूट थ्री बटे टू, यहाँ से जब इसको हल करिए तो एक बटे टू है गुना ये नीचे वाले कहाँ जाएगा ऊपर, तो दो ऊपर चला जाएगा रूट थ्री नीचे आ जाएगा, तो रूट तो दो दो कट गया तो बचेगा वन बटे रूट थ्री, वन और रूट थ्री तो वन बटे रूट थ्री, तो कॉट तीस का मान कितना याद रखिएगा वन बटे रूट थ्री, वन बटे कितना रूट थ्री, यह याद रखिए ये दो दो कट गया, ये दो दो कटेगा तो बचेगा ऊपर में वन नीचे में रूट थ्री, ऊपर में वन नीचे में रूट थ्री, तो वन बटे रूट थ्री। उसी तरह यहाँ याद रखिए ये कट जाएगा तो बचेगा क्या ये वन बचेगा, उसी तरह यहाँ दो दो कट जाएगा, दो दो कटेगा क्या बचेगा रूट थ्री बचेगा, क्या बचेगा रूट थ्री, तो वन बटे जीरो। आपको याद रखना हमेशा कि वन बटे जीरो क्या देता है इन्फिनिटिव, क्या देता है वन बटे जीरो इन्फिनिटिव, जब जीरो बटे वन क्या देता है जीरो, जीरो ऊपर में नीचे वन हो तो क्या देता है जीरो, जब जीरो नीचे में हो ऊपर में पाँच भी रहेगा अगर नीचे जीरो रहेगा क्या देगा अपरिभाषित देगा, इसीलिए गाइस याद रखना क्या जब जीरो नीचे में आता है तो उसका मान क्या होता है अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित, 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 इस तरह से याद रखिएगा या इसी को इन्फिनिटिव लिखा रहेगा कभी कभी। ये हो गया टेन का, अब हमको क्या निकालना है कॉट का, क्या निकालना है कॉट, इसी तरह याद रखिए टेन जीरो का मान जीरो, टेन तीस का मान वन, वन बटे रूट थ्री, टेन पैंतालीस का मान वन, टेन साठ का मान रूट थ्री, और टेन नब्बे का मान अपरिभाषित। अगर भूल जाएंगे तो ये साइन बटे कॉस कर करके इस तरह से आप निकाल के बता सकते हैं। तो अब आगे निकालते किसका गाइस कॉट का, आगे किसका निकालते हैं कॉट का, आगे किसका निकालते हैं कॉट का, आगे किसका निकालते हैं कॉट का। तो जैसे कॉट को अब याद रखिएगा, तो कॉट को कैसे याद रखें, जैसे टेन जीरो का मान जीरो हो गया तो कॉट को जैसे याद करें टेन के याद होगा तो अगर कुछ नहीं तो जीरो के नीचे क्या होगा वन, हर चीज़ के नीचे वन होता है, जैसे पाँच के नीचे नहीं कुछ कितना हो जाएगा वन, सात के नीचे कुछ कितना आ जाएगा वन, या एक सौ के नीचे नहीं कुछ कितना आ जाएगा वन, या एक्स के नीचे कुछ नहीं कितना आए वन, उसी तरह जीरो के नीचे कुछ नहीं होगा कितना होगा गाइस वन, जीरो के नीचे कुछ नहीं होगा कितना होगा वन। इसी को जब पलटिएगा तो जब इसी को पलटिएगा क्या गाइस, जब इसी को जीरो, जब जीरो था जीरो कम लिख सकते जीरो बटे एक, जब इसी को पलट देंगे तो क्या जाएगा तो वन ऊपर चला जाएगा जीरो नीचे, तो इसी को जब पलटेंगे तो क्या जाएगा वन ऊपर जीरो नीचे तो क्या जाएगा अपरिभाषित, वन बटे जीरो आ जाएगा क्या जाएगा अपरिभाषित, क्या जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब क्या इन्फिनिटिव, अपरिभाषित का मतलब क्या इन्फिनिटिव, अपरिभाषित का मतलब क्या गाइस इन्फिनिटिव, अपरिभाषित का मतलब इन्फिनिटिव। कैसे आता है गाइस बताए, तो या अगर आपको याद नहीं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं कैसे, तो जैसे मान लो आपको निकालना है क्या कॉट जीरो का मान, क्या निकालना है कॉट जीरो का मान, कॉट जीरो का मान निकालना है। हम बताए थे गाइस क्या कॉट थीटा बराबर क्या निकालने के लिए बताए थे फार्मूला बताए थे सी ओ टी कॉट थीटा बराबर वन बटे क्या था टेन थीटा, वन बटे क्या होता है टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या था वन बटे टेन थीटा, क्या था वन बटे टेन थीटा। इसलिए हम बता सकते हैं क्या गाइस हमको निकालना है कॉट जीरो, तो कॉट थीटा की जगह क्या रखेंगे जीरो, तो यहाँ भी क्या देगा वन बटे टेन जीरो, वन बटे कितना टेन जीरो, अगर यहाँ जीरो रखे तो यहाँ भी कितना रखना जीरो, यहाँ भी कितना रखना जीरो। अब बताए कि वन बटे जीरो टेन जीरो का मान कितना जीरो, तो वन बटे जीरो क्या देता है अपरिभाषित, वन बटे जीरो क्या देगा इन्फिनिटिव या अपरिभाषित, वही लिखे यहाँ गाइस। उसी तरह आगे गाइस यहाँ फिर क्या कॉट तीस का मान, जैसे कॉट तीस का मान क्या पलट देना है, तो रूट थ्री कहाँ चला जाएगा ऊपर, वन कहाँ आएगा नीचे, तो आप लिख सकते क्या रूट थ्री, कॉट तीस का मान कितना आएगा रूट थ्री, टेन पैंतालीस का मान जैसे कॉट पैंतालीस का मान, टेन पैंतालीस का मान भी मान उतने आएगा। उस तरह कॉट, कॉट का मतलब जब रूट थ्री, वन बटे रूट थ्री को पलटे तो रूट थ्री बना, जब रूट थ्री को पलटी है तो क्या देगा वन बटे रूट थ्री, क्या देगा वन बटे रूट थ्री। जब जीरो का मान अपरिभाषित है, जब अपरिभाषित का मान क्या आ जाएगा जीरो, अपरिभाषित का मान क्या आ जाएगा जीरो, जब जीरो का अपरिभाषित बन गया तो इसलिए अपरिभाषित का क्या आ जाएगा जीरो। उसी तरह सेक का, सेक किससे याद रखिएगा कॉस से, सेक किससे याद रखिएगा कॉस से, अगर सेक को याद है तो आप कॉस को बता सकते हैं। फिर सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, या सेक का उल्टा किसका होता है कॉस का, तो वन का उल्टा क्या जाएगा वन, वन का उल्टा क्या जाएगा वन,
रूट थ्री बटे टू का उल्टा क्या आएगा, दो बटे रूट थ्री, दो बटे रूट थ्री। उसी तरह वन बटे रूट टू को क्या बोल सकते हैं, रूट टू बोल सकते हैं। उसी तरह वन बटे टू को क्या बोल सकते हैं, दो बोल सकते हैं। जीरो का उल्टा क्या आता है, अपरिभाषित। जीरो का उल्टा क्या आता है, अपरिभाषित। जीरो का उल्टा क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटिव। उसी तरह कोसेक, कोसेक किससे याद रखिएगा, साइन से। कोसेक किससे याद रखिएगा, साइन से। तो साइन जीरो का मान जीरो, तो इसीलिए जीरो का उल्टा क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। जीरो का उल्टा क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। जीरो का उल्टा क्या आ जाएगा, अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटिव। उसी तरह 182 का उल्टा क्या आ जाएगा, दो। 182 का उल्टा क्या आ जाएगा, दो। 182 का उल्टा क्या आ जाएगा, रूट टू। उसी तरह साइन तीस का मान तेईस का उल्टा क्या, दो ऊपर चला जाएगा, रूट थ्री नीचे आ जाएगा। उसी तरह वन का उल्टा क्या आ जाएगा, वन। वन का उल्टा क्या आ जाएगा, वन। वन का उल्टा क्या आ जाएगा, वन। इसी तरह याद रखना है, साइन याद रखिएगा तो कॉस निकल जाएगा उसका उल्टा करके। कॉस याद रखिएगा तो सेक का आ जाएगा उल्टा याद करिए। उसी तरह टेन का याद रखिएगा तो कॉट का उल्टा करके याद रख लीजिए। तो यही गाइस उसका क्या है, मान है। तो आप इसको मान को क्या करना है, याद कर लेना। क्या करना है, मान को याद कर लेना है। यही था क्या त्रिकोणमिति। अब इससे संबंधित कल सवाल पढ़ाएंगे, जितना भी एनसीईआरटी में होगा टोटल ए टू जेड पढ़ेंगे। जैसे ये खत्म होगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक में कौन कौन सा सवाल आया हुआ है तो उसको हल करेंगे। यदि गाइस जो पूरा वॉच किए वीडियो, उसके लिए मैं धन्यवाद शुक्रिया देना चाहता हूँ, ताकि आप इतना मेरे लिए समय दिए। तो गाइज आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर लें। तो गाइज गुड नाइट, आपके लिए फिर से कल लेके आते हैं सवाल, मतलब नया वीडियो लेकर आते हैं और उस पर संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं कल नेक्स्ट डे में। तो चलिए गुड नाइट, जय हिंद।